मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बजट पेश किया गया जिसमें 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने, प्रतियोगी परीक्षाओं में एंटी चीटिंग सेल की घोषणा की गई है, तो स्वागत ही हो गया इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। लेकिन जो एक साल पहले 23 फरवरी 2021 को रात 12:30 बजे समझौता हुआ वो मांगे आज भी अधूरी है। इसके अलावा लखनऊ में जो हमें बुलाया गया उसकी कई मांगे अधूरी है, वो मांगे पूरी करवाने के लिए और जो लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां समयबद्ध हो, कैलेंडर जारी हो, 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, गैर जमानती कानून लाया जाए और रीढ़ की सीबीआई जांच हो, डेटा सार्वजनिक हो, इन तमाम मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, सरकार ने हमारी वो मांगे पूरी नहीं की, साल भर बीत चुका, इसलिए यौम में आक्रोश है, इसको लेकर कल विधानसभा घेराव कर रहे हैं। लेकिन जो आज बजट में जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। जहां अच्छा होगा हम धन्यवाद देंगे, जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे। अभी भी समय है सरकार के पास बेरोजगार की मांगों को माने, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो एंटी चीटिंग सेल की घोषणा की है वो प्रत्येक जिले में उसकी शाखाएं होनी चाहिए, 12 राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए, गैर जमानती कानून जल्द आना चाहिए और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए, रीट प्रेस सेक्रेटरी तमाम और भर्ती परीक्षा और अन्य चाहे पीटीआई हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी, तमाम भर्ती परीक्षाओं पद बढ़ाने की मांग चले, उन पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो तमाम भर्तियों को लेकर, तमाम समझौतों की मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है और कल विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।